चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में खुली पंचायत में अधेड़ के हत्या का मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार, मामले में दो अन्य आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी संतोष यादव अमरजीत यादव गिरफ्तार। धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 का इनाम पर घोषित, घटना के बाद से ही चल रहा था फरार। अभी तक नामजद 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मामले में कुल 9 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मामले में 8 नामजद 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विधायक सुरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया तलब। सुरेंद्र सिंह के बयान पर पार्टी ने लिया एक्शन। बलियाकांड पर सुरेंद्र सिंह ने दिया था विवादित बयान। बलिया जिले के दुर्जनपुर में खुली पंचायत में 40 वर्षीय मृतक जयप्रकाश अधेड़ की हत्या का मामले में प्रतिनिधिमंडल सपा नेताओं ने पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से मिलकर शोक संवेदना और मदद का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल सपा के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं सपा नेताओं ने मांग की है कि परिवार को नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर दिया है। सूची में कुल मिलाकर 30 नेता शामिल किए गए हैं। बता दें कि यूपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित सूची को आयोग की अनुमति मिल चुकी है। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, राज बब्बर, राजीव शुक्ला, जितिन प्रसाद समेत 3 नेता शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन प्रदेश के सभी जिलों में की गई। वहीं सोनभद्र में भी बड़े धूमधाम से इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा नारी शक्ति के महत्व और उनकी सुरक्षा के बारे में महिलाओं को बताया गया। अभियान की तारीफ करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इससे महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में हवा में उड़ता गुब्बारे का रोबोट देखा गया। हवा में रोबोट उड़ता देख लोगों में मचा हड़कंप। लोगों ने समझा एलियन। ग्रेटर नोएडा हवा में उड़ता गुब्बारे का रोबोट। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस भी रोबोट जैसे आकार वाले गुब्बारे को देख घबराई। कड़ी मशक्कत के बाद पास जाने पर गुब्बारे की हुई जानकारी। गाजियाबाद में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए का आंकी जा रही पकड़ी गई शराब की कीमत। लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और उनके बेटे वैभव की दबंगई देखने को मिली। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कुतावली मोहम्मदी में हंगामा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में दबंगों ने जमीनी विवाद में पिछड़ी जाति के बाप बेटे को सरेआम पेट्रोल जलाकर आग लगा दी, जबकि पीड़ित परिवार दबंगों से न्याय के लिए पिछले 2 साल से पुलिस के चक्कर लगा रहा था। पुलिस ने घायल बाप बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर रूप से झुलसे पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं नाबालिग बेटा भी बुरी तरह से झुलस गया है। सीतापुर में दंपति पर अज्ञात दबंगों ने फेंका तेजाब। एसिड अटैक से पति गंभीर झुलसा, पत्नी बाल बाल बची। लखीमपुर के मितौली थाना का मामला। मुरादाबाद में 2 बहनों को महिलाओं ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिखी 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर। आगरा से मथुरा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में करीब 0.5 दर्जन लोग घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर। चालक ने 2 महिलाओं को रौंदा। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी में चाकुओं से हमला। शराबी सभासद ने युवक पर किया हमला। पुरानी रंजिश में किया गया युवक पर हमला। मामला 2 समुदायों से जुड़े होने के क्षेत्र में तनाव है। 10 थानों की पुलिस और पीएचसी नगर में तैनात। गाजियाबाद के करोड़ा रोड इलाके में पुलिस कर्मियों पर दुकान का सामान फेंकने का आरोप। मामले में जुड़ा लाइव सीसीटीवी फुटेज वायरल।
सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी दुकान पर आकर सामान को बाहर फेंक देते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रात के 9 बजे के बाद दुकान खोली थी। कबीरपुर जातीय हिंसा मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव और तत्कालीन जीएम सहारनपुर के खिलाफ राजद्रोह में परिवाद दर्ज किया गया। अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाने की नियत को जानबूझकर किए गए अपराध के विरुद्ध यह परिवाद दर्ज किया गया। कानपुर रेलवे ट्रैक पर मिला 2 युवकों का शव, हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। दबोली वेस्ट रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों का शव। गाजियाबाद में कार बनी आग का गोला, ड्राइवर में कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आगरा में हाईवे पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। लोगों ने पुलिस को फायर ब्रिगेड को दी सूचना। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के मेला अधिकारी दीपक रावत ने श्री गंगा सभा नगर निगम सहित कई स्वयंसेवी संस्थानों के साथ मिलकर आज से गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, जो पूरे गंगाबंदी के दौरान चलाया जाएगा। कुंभ कार्य और वार्षिक मरम्मत के नाम पर हरिद्वार में गंगा जी को 1 महीने के लिए बंद किया जाएगा। आज हर की पौड़ी क्षेत्र में दीपक रावत ने सफाई अभियान की शुरुआत कर गंगा जी में खुद सफाई लगाई। मसूरी में शिफन कोच से बेघर हुए 84 परिवारों के द्वारा विस्थापन को लेकर नगर पालिका के मुख्य गेट पर दिए गए धरने और पालिका प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे विरोध के आगे आखिरकार पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को झुकना पड़ा। पालिका अध्यक्ष द्वारा शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें 12 सभासदों ने हिस्सा लिया। सभी ने बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया। पालिका अध्यक्ष द्वारा 84 परिवारों में से 35 परिवारों को पूर्व में भी अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। बाकी बचे लोगों को वह 2 दिन के अंदर मसूरी नगर पालिका की खाली पड़ी जगहों पर विस्थापित करेंगे। मसूरी में बेघर हुए लोगों को मिलेगा आशियाना, पालिका अध्यक्ष ने सभासदों के साथ की बैठक। नगर निगम की खाली जगह पर होगा विस्थापन। रुड़की में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार, शहर से लेकर देहात तक बड़ी संख्या में लोग हुए बीमार। कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी तबियत, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में एक विदेशी महिला को मुनी की रेती पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि इस मामले में पहले भी एक फ्रांसिस महिला और स्थानीय फोटोग्राफर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अश्लील फोटो शूट कराने के मामले में कई धार्मिक संस्थानों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक, गुलदार ने मासूम पर किया हमला। गुलदार के हमले से मासूम घायल, घायल मासूम को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शनिवार को उत्तराखंड में 606 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। 2 सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा कम हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 57,668 हो चुकी है, जिसमें से 50,820 संक्रमित सही हो चुके हैं। राज्य में अब मरने वालों की संख्या 835 हो चुकी है। कोरोना से 24 घंटे में प्रदेश में 6 मरीजों की हुई मौत, इनमें से एम्स ऋषिकेश में 1, मैक्स हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने दम तोड़ा। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लगी भक्तों की भीड़। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की जाती है पूजा। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्र की पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य माना जाता है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजमान होती है।
कोरोना काल की वजह से बंद पड़े स्कूल शासन के निर्देश पर सोमवार यानी 19 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। अनलॉक 5 में 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। इसको लेकर स्कूलों में कोरोना से छात्र छात्राओं को बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। पीएम के बालाजी ने सीसीएस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में स्कूलों के प्रिंसिपल्स और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कोरोना से बचने के लिए स्कूल खोलने में शासन की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए। दिसंबर में रिलीज होने वाली शतरंज मूवी के गाने को लेकर नोएडा के सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में प्रोग्राम किया गया। इस दौरान पंजाबी पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी और सिंगर कविता त्रिपाठी साथ ही साथ डायरेक्टर दुष्यंत मीडिया से रूबरू हुए। राजधानी लखनऊ में दीवार गिरने से 2 लोग दीवार में दब गए। मौके पर जल्द सहायता न मिलने पर मजदूर जावेद की मौके पर मौत हो गई। वहीं सरोज नाम की महिला गंभीर रूप से घायल। आगरा में सगे मामा ने भांजे को मारी गोली। भांजे की हालत गंभीर, अस्पताल में किया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर भतीजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मामा को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में 20,000 रुपए घूस लेने के मामले में महिला कर्मचारी को जिलाधिकारी ने किया निलंबित। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए किया। राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज विकासखंड में तैनात अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले एक साल से जर्जर नाली का निर्माण नहीं करवाया गया। ऐसे में लोगों के घरों का गंदा पानी सड़कों में जमा होने लगा। गंदगी को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर नाली का निर्माण किया। गाजियाबाद में कंपनी में बतौर सेक्रेटरी काम कर चुकी महिला के अपहरण की रिपोर्ट 2 साल बाद दर्ज हुई। ये रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर विजयनगर थाने में दर्ज की गई। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसे झूठे मामले में फंसाकर 2 साल पहले जबरन गाड़ी में ले जाया गया था, जिसको लेकर महिला ने एक सीसीटीवी वीडियो भी दिखाया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत वाराणसी में भी लोगों को सस्ते आशियाना का ख्वाब दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले साइन सिटी ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को वाराणसी के कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस ने सटोरियों का एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जिसका सरगना तहसील का बाबू ड्रजन सिंह निकला। उससे पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। बाराबंकी में पुलिस ने मानव युवती के साथ हुआ था सामूहिक बलात्कार। पुलिस ने दूसरे आरोपी ऋषिकेश सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा ऋषिकेश और दिनेश ने घटना को दिया था अंजाम। अलीगढ़ में पुलिस ने चोर गैंग का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा का सोने और चांदी के माल बरामद। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में घर के बाहर सो रहे 2 सगे भाइयों को अज्ञात हमलावर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना में एक की मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने 40 दिन बाद संदिग्ध हालत में गायब हुई महिला का खुलासा किया, जहां डॉक्टर ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसे जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा। पूरा मामला मसूरी इलाके का। गुमशुदगी मसूरी थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी महिला नहीं मिली। मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि महिला डॉक्टर इस्माइल के संपर्क में रहती थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए डॉक्टर को हिरासत में लिया। चुनाव में सीएमओ ऑफिस में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मेडिकल कराने पहुंचे। नवनियुक्त शिक्षकों के मेडिकल प्रक्रिया के लिए नहीं कोई इंतजाम। चित्रकूट में अपर सीएमओ डॉक्टर ध्रुव कुमार के इलाज के दौरान हो गई मौत। अपर सीएमओ का बांदा में चल रहा था इलाज। सीतापुर में तेंदुए के हमले से युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग के अधिकारी। जिले में तेंदुए का आतंक कई दिनों से लगातार जारी। भदोही में बच्चे से पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में पिस्टल लोड कर फायरिंग कर रहा था बच्चा। ओराई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो।
हैदराबाद में तीन बदमाशों ने घर में घुसकर बंधक बनाकर लूट के वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर घर के सदस्य को मारी गोली। सूचना के बाद एसएसपी और एसपी देहात मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। मौके पर बम निरोधक दस्ता के साथ एसपी सिटी पहुंच जांच में जुटे। टीम ने बम जैसी दिखने वाली वस्तु की जांच की तो पता चला कि वह बम जैसी शक्ल का दिखने वाला रबड़ का खिलौना था। कुशीनगर में खून से लथपथ मिला युवक का शव। गला रेत कर हत्या की आशंका। ग्रामीणों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुई हत्या। पराली से भरी ट्रॉली में लगी आग। शरारती तत्वों ने ट्रॉली में लगाई आग। आग का लाइव वीडियो कैमरे में कैद। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में इस महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप डॉक्टर पर लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि पेट दर्द की समस्या होने पर अस्पताल में किया गया था भर्ती। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने महिला की इलाज के दौरान आंत निकाल लिया और उसे आग से जलाने की कोशिश की। हंगामा की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्नाव में गंगा नदी के किनारे हो रही अवैध प्लांटिंग पर जिला प्रशासन ने निर्माण कार्य पर कार्रवाई शुरू की। तहसील के अधिकारियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा कर गिरा दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश घायल। महिला सिपाही से मोबाइल चुनौती कर भाग रहा था बदमाश। तीन दिन में 42 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के टिकट गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक भाई ने दूसरे की पत्नी को फावड़े से काट डाला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही आरोपी की तलाश में जारी है। जालौन में आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने की खुदकुशी। एक साथ तीन लोगों ने लगाया मौत को गले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिक्षिका से 6 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 विदेशी युवकों को हरदोई पुलिस और लखनऊ एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के तुगलकाबाद से पकड़कर शुक्रवार को टीम हरदोई एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नबी पूछताछ में चारों ने अपनी जुर्म कबूल कर ली है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ठगी में 4 नाइजेरियन गिरफ्तार। शहर में 2 युवकों में मामूली कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर किया एसिड अटैक। एक युवक गंभीर रूप से घायल। 2 युवक घायल हैं। गंभीर हालत में युवक फायर सेंटर रेफर। शहर में होटल में शराब पीते 3 दारोगा कैमरे में कैद हो गए। मीडिया कर्मियों को देख दारोगा मांगने लगे माफी। दबंग होटल मालिक के मीडिया कर्मियों को दी धमकी। आईपीएल के 13वां सीजन में शनिवार को पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर स्कोरबोर्ड पर 177/6 रन बनाए। कप्तान स्टीव स्मिथ के अर्धशतक में एबी डिविलियर्स भी 22 गेंदों से 55 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी हारी पड़ गई। आखिरी 4 ओवर में आरसीबी ने 50 से ज्यादा रन जोड़े और मैच अपने नाम किया। जीत के साथ आरसीबी 9 मैच में 6 जीत के साथ तीसरे नंबर पर मजबूती से बरकरार है। राजस्थान रॉयल्स इतने ही मैच में 6ठी हार के साथ 6 अंक लेकर 7वें क्रम पर किंग्स 11 पंजाब से ऊपर है। आईपीएल में शनिवार शाम जारी दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 197 रन बनाए। लेकिन अंत में रायडू और जडेजा की तेज तर्रार पारियों के बूते सीएसके 1 स्कोर तक पहुंच गया, जिसके जवाब में शिखर धवन ने नाबाद 58 गेंदों में 101 रन की पारी और अक्षर पटेल के 5 गेंदों में 21 रन के बूते दिल्ली कैपिटल्स ने अंतिम ओवरों में मैदान में मार लिया। दिल्ली के लिए आईपीएल के 13वें सीजन का पहला शतक सलामी बल्लेबाज धवन के नाम। 58 गेंदों में 101 रन की नाबाद पारी में इस 34 वर्षीय खब्बू बल्लेबाज ने 14 चौके और 1 छक्का लगाया।
कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तानी संभालने के बाद पहले मैच में ही करारी हार का सामना करने वाले इयान मॉर्गन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच में बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेंगे। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण दिनेश कार्तिक ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुक्रवार को मैच से पहले कप्तानी अपने उप कप्तान मॉर्गन को सौंप दी थी। आईपीएल में आज होने वाले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उसे आत्ममुग्धता से बचना होगा, क्योंकि क्रिस गेल की वापसी से उसके इस प्रतिद्वंदी में नया उत्साह जगेगा। मुंबई एक जीत से प्लेऑफ से बेहद करीब पहुंच जाएगा, जबकि पंजाब एक और हार से दौड़ रहे बाहर हो सकता है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज गेल की वापसी से पंजाब का उत्साह बढ़ रहा है। गेल ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करके 45 गेंदों पर 53 रन बनाए। चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप का आरोप, जबरन अबॉर्शन करवाने का भी आरोप, एफआईआर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी नाम। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब के गाने बुर्ज खलीफा का टीजर हुआ रिलीज, अक्षय ने गाने को बॉलीवुड का सबसे बड़ा पार्टी एंथम बताया। को मुंबई स्थित बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर एफआईआर दर्ज। कंगना ने दिया जवाब, मुझे इतना मिस ना करें, मैं जल्द आ रही हूं। एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के लगाए थे आरोप। अब इस विवाद में पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का भी जिक्र किया। पायल ने कहा, अनुराग संग हुए विवाद पर उन्होंने इरफान पठान से की थी बात। एनसीबी ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं से सेवन और वितरण के लिए एक पेशेवर को किया गिरफ्तार। एनसीबी के अधिकारियों ने सुशांत केस में सांताक्रूज निवासी जय मधोक को किया गिरफ्तार।